नहीं सहेगा हिंदुस्तान का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का अपमान। जी पहली बात यह है, जो पूरे प्रदेश में जो पुजारियों का जो संरक्षण है वो हो नहीं पा रहा है, कोई वेतन मानदेय नहीं है और उनकी हस्ती बहुत दयनीय है, उस पर संज्ञान लिया जाए। और जो प्रदेश में जो महिलाओं की जो स्थिति है और जो उन पर अराजकता हो रहा है उसके ऊपर भी सरकार संज्ञान ले और सही उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए और उसके लिए भी पत्र मिल जाएगा आपको। तो जो प्रदेश की इस समय स्थिति है वो बड़ी दयनीय है और उससे हम सभी बहुत ही क्षुब्ध हैं। और पुजारी पुरोहित जो सनातन धर्म को आगे ले जाने वाले हैं, जो समाज के समक्ष रखते हैं, तो उनका कोई भी संरक्षण सरकार के द्वारा नहीं हो पा रहा है। जैसे दिल्ली में सभी मस्जिदों में तनख्वाह है लेकिन मंदिरों में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था हो। और जो वृद्ध पुजारी हैं, क्योंकि बाहर अभी पीछे उन्नाव में मंदिर की मूर्तियां चोरी हो गई, फिर यहां पर भी मतलब भी पुजारी जी के घर पर तिवारी जी थे, उनकी जो है ना मिसेस की हत्या हो गई, लूट हो गई मंदिर में। जितना भी ब्राह्मण समाज है सिर्फ वही केवल उत्तर प्रदेश शासन में केवल टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी केवल सिर्फ मुसलमानों के बारे में देख रही है। मदरसों में सब्सिडी दी जाती है, इमामों को दी जाती है, लेकिन ब्राह्मण समाज और हमारा पुरोहित समाज के लिए, ब्राह्मण समाज ये चाहता है जिस तरीके से, एक मिनट भैया, ब्राह्मण समाज ये चाहता है कि जिस तरीके से मदरसों में इमामों को सैलरी दी जा रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं रजिस्टर्ड हैं उनके पुजारियों को भी मानदेय 5,000 से 8,000 तक दिया जाए। साधु संतों की हत्या और उनकी सुरक्षाओं के लिए, और पालघर में जो साधु संतों की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और जो लोग प्राइवेट मंदिर अपना बना रहे हैं उसमें जो भी पुजारी या ब्राह्मण समाज का पुजारी जो अपना आजीवन केवल साधु संत के तरह और जो है ना पूजा करता है, 60 साल का हो जाता है, तो प्राइवेट मंदिर वाले उनको निकाल देते हैं, उनका किस तरीके से गुजारा बसर होगा, इसके लिए भी हमारा योगी जी से और भारतीय जनता पार्टी से आह्वान है।